Good morning to all. I am Neelu. Today we are here to conduct in-house training session. Our today's topic is art integration across curriculum. And our resource person is Gauri Sangar sir. So please sir, come and conduct the training. Thank you Nenu Mings. आज झारखंड पब्लिक स्कूल इंद्रवा सलेडी इन हाउस ट्रेनिंग मैं गौरी शंकर आज का ट्रेनिंग टॉपिक्स आर इंटीग्रेट अक्रॉस करिकुलम। ये टॉपिक्स आज बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आप लोग के बीच। आर इंटीग्रेट लर्निंग कला एकीकृत शिक्षा अनुभात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका है। इसका तात्पर्य अन्य विषयों के साथ एकीकरण करने से है। कला अन्य विषयों के साथ एकीकरण का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्य कला सीखने या सिखाने की प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग है और शिक्षण के लिए एक मज़ेदार एवं रोचकदार बना है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को सीखने या सिखाने के लिए कला के साथ जोड़ना एवं कला समेकित शिक्षा है। कला के माध्यम से विभिन्न विषय को अमूर्त अवधारणाओं को बहुत ही सरल और आसान तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा अध्यापकों और बच्चों दोनों के लिए लाभदायक है। इससे अध्यापकों को कक्षा में कला को पाठ्यक्रम को मुख्य हिस्सा बनाते हुए कार्य किया जाना चाहिए। इससे बच्चों को कई तरह से कौशल एवं क्षमताओं का विकास होता है। इसमें कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा को विभिन्न विषयों से जोड़कर उनकी विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा को विभिन्न विषय वस्तु जोड़कर उनके वस्तु को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। इस तरीके से सिखाना एवं समर और आनंददायक और अनुभात्मक हो सकता है। कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति कला के दृश्य रूप जैसे फोटोग्राफी, नृत्य, प्रदर्शन करके कला को और मजबूत और बेहतर तरीके से संगीत यानी कहने का अर्थ हो गया बच्चों को अगर हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसमें हम लोग अपना संगीत के माध्यम से एवं नृत्य के माध्यम से फोटोग्राफी के माध्यम से रोचकदार बनाया जा सकता है। अगर पाठ्यक्रम में कला का समावेश हो तो इस विषय वस्तु में अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला समेकित पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के विषय वस्तु को तार्किक विद्यार्थियों के केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ने का एक साधन प्रदान करता है। कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। उससे आप जोड़कर विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। इस तरीके से सिखाना समग्र आनंददायक और अनुभात्मक बन जाता है। कला समेकित शिक्षा में सीखने सिखाने के तरीके को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है। कला एक सतत और व्यापक मूल्यांकन और कौशल उपकरणों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शिक्षार्थी कई बार कई अपने विचारों को मौखिक रूप से बयान नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें अगर कला का प्रोत्साहन किया जाए तो अपने अनुभव प्रकट कर सकते हैं।
अगर उस समय उनको अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए कला का सहारा देकर सीखने या सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। नई नीति 2019 में इस कला को समेकित शिक्षण के द्वारा शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यान से रखकर दिया गया है, बनाया गया है। भाषा में कला समेकित शिक्षा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य भाषाएं सुनना, कुशलता बोलना, पढ़ना लिखाना, साथ ही कल्पनाशीलता के साथ कला समेकित शिक्षा के अनुकूलताओं और क्षमताओं को वृद्धि एवं सशक्त माध्यम है। इसके लिए छात्रों को अनेक प्रकार की गतिविधियां करवाई जा सकती है, जैसे कि कहानियां और कविताओं सुनाना, लिखवाना, दूसरा बातचीत के अवसर पर उपलब्ध कराना, एंड नेक्स्ट चित्रों को देखकर चित्र आधारित कविता, कहानी, लेख एवं निबंध की रचनाएं करवाकर की जा सकती है। कहने का अर्थ हो गया कि अगर बच्चों के बीच भाषा की कला समेकित शिक्षा, अगर कहानी और कविता सुनाना और उन्हें लिखने का प्रयास कराया जाए और बातचीत का अवसर उपलब्ध कराना, एक दूसरे के बीच बातचीत का अवसर उपलब्ध कराना, चित्रों को देखकर चित्र पर आधारित कविता एवं कहानी एवं निबंध रचना करवाकर की जा सकती है। बच्चे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो चित्र को देखकर वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एवं कहानी लेख, निबंध लेख आदि की रचना करके। गणित और कला समेकित शिक्षा, गणित में गिनती, जैसे गणित में गिनती, टेबल, माप एवं आकार का प्रमुख होता है। कला शिक्षक को बच्चों को समान और असमान आकारों को पहचानने, जैसे देखा जाए तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के मैथमेटिक्स में आकृति आता है, आकृति के साथ उसमें डिफरेंट डिफरेंट आकृति दिखाकर बच्चों को देखने और पहचानने दिखाना चाहिए, कला को सम्मिलित करना चाहिए, जिसमें द्वियामी त्रियामी आकृति बनाने में मदद करती है। इससे बच्चे की लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्र आदि का अनुभव प्राप्त होता है। पर्यावरण अध्ययन और समेकित शिक्षा, जिसे हमारे चारों ओर के वातावरण संवेदनाओं को प्रभावित करता है। जब हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर के वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है, कला शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण को समझकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखने का सीख भी मिलता है। भूगोल और एवं पर्यावरण को अध्ययन में शिक्षण के क्षेत्रीय कला और हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता पर जानकारी, स्थानीय हस्तशिल्प परंपराओं का उदय और विकास की जानकारी, स्थानीय शिल्पकार और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं से स्कूल के संग्रहालय को विकसित करना, इस प्रकार के कला समेकित पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के विषय वस्तु को तार्किक, विद्यार्थी और केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ने में साधन प्रदान करता है। आर इंटीग्रेट लर्निंग, कला समेकित शिक्षा शब्दकोश में एकीकरण एवं संवेदन का अर्थ है कि संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को विभिन्न मिश्रित करने और जोड़ने का कार्य है। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है कि विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्र जैसे सीखने या सिखाने के साथ कला का संयोजन करना। कहने का अर्थ हो गया कि अगर संपूर्ण इकाइयों के भागों में मिश्रित करने और जोड़ने के कार्य को सम्मिलित किया जाए तो विभिन्न पाठ्यक्रम को और रोचकदार बनाया जा सकता है। भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों को कला के साथ परस्पर संबंधित
स्थापित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कई बार कला बहुत सरलता से विज्ञान के अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकती है, इसलिए हमें हमेशा कला को भाषा के साथ, सामाजिक अध्ययन के साथ, विज्ञान के साथ एंड गणित जैसे विषयों में कला का परस्पर संबंध स्थापित करना चाहिए। कला एकीकृत शिक्षा आर एकीकृत लर्निंग एक शैक्षणिक शिक्षा मॉडल है जो कला के माध्यम से और कला के साथ सीखने पर आधारित है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां क्लास शिक्षण सीखने का एक माध्यम बन जाती है। किसी भी अवधारणाओं को समझने की कुंजी और पाठ्यक्रम का विषय बन जाता है। विभिन्न कला के रूपों के माध्यम से विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध बनाते समय शिक्षार्थी रचनात्मक खोज करते हैं। बच्चे हमेशा कुछ ऐसे चीज़ देखना चाहते हैं जिससे वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं, जैसे दृश्य, पेंटिंग, मॉडलिंग एम कठपुतली बनाना, विरासत शिल्प आदि, प्रदर्शन कला, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली आदि दोनों में कला के अनुभव बहुत बेहतर समझ और निर्माण की ओर ले जाते हैं। कला में उन शिक्षार्थियों के लिए आयुयुक्त अवसरों को समायोजित करने की एक लालचापन होता है जो अपने व्यक्तिगत गति को अन्वेषण कर सकते हैं। यह अनुभात्मक अधिगम दृष्टिकोण के साथ होता है। फर्स्ट स्टेज वाइज लर्निंग उद्देश्य। कला के माध्यम से शिक्षा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर हो सकती है। कला एकीकृत शिक्षण प्राकृतिक में अनुभात्मक है और सभी बच्चों को उनकी कला और भावनात्मक शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया देता है। बच्चों की जरूरतें उम्र, सामाजिक संदर्भों और क्षमता के साथ अलग अलग होगी। कला एकीकृत शिक्षण में बच्चों को शामिल करने के चरण वार उद्देश्य इस प्रकार से है। प्री प्राइमरी, इस अवस्था में बच्चे अत्यधिक जिज्ञासु और ऊर्जावान दोनों होते हैं। ड्राइंग, बच्चे ड्राइंग में काफ़ी दिलचस्प रखते हैं एंड मिट्टी का काम या मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का बहुत सारे खिलौना। संगीत जैसे रचनात्मक गतिविधियां छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षण और आकर्षक होता है। इस स्तर पर सभी शिक्षा कलाओं के माध्यम से होनी चाहिए। दृश्य और प्रदर्शन कलाओं में बच्चों में भागीदारी का उद्देश्य है। सीखने में आनंददायक और आकर्षण बनाएं। बच्चों को उत्सुक और अवलोकन और अवंत अन्वेषण के माध्यम से अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक बनाने होने के लिए प्रोत्साहित करें। यह सत्य है कि बच्चे को हमेशा पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं एक दूसरे की सकारात्मक सोच हमेशा रखना चाहिए। उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। मुक्त भावनात्मक और अभिव्यक्ति संचार एवं रचनात्मक भागीदारी की अनुमति दें। बच्चों को स्वतंत्र रूप से और सहज रूप से अभिव्यक्त करने की सुविधा प्रदान करें। प्राथमिक, इस स्तर पर कला शिक्षा को सभी विषयों से इस तरह से जोड़ने की आवश्यकता है कि यह शिक्षण अधिगम अवधारणाओं का उपकरण बन जाए। बच्चे की जिज्ञासा कल्पना और आशय की भावनाओं को मजबूत बनाने में कला प्रभावी भूमिका निभा सकती है। बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और समग्र साक्षरता से संबंधित कौशल पर उनका संगरात्मक प्रभाव होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर AIL के उद्देश्य बच्चों की मदद करती है। सीखने
के लिए खुशी और उत्सुकता की भावना अनुभव हो। बच्चों को हमेशा कला को इस तरह से उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए ताकि बच्चे हमेशा उत्सुक रहे और सीखने का हमेशा प्रयास करें। समावेशी वातावरण में रहना सीखें और बच्चों को हमेशा ऐसा एक वातावरण में रखें जिसमें वह समावेश कर सके। उनके आसपास की दुनिया में गणित और विज्ञान की अवधारणाओं का खोज करें और हमें हमेशा बच्चों के प्रति मैथमेटिक्स एवं साइंस की अवधारणाओं की खोज के बारे में हम बच्चों को हमेशा जिज्ञास पैदा करना चाहिए। अंत विषय कलेक्शन से अवगत कराना चाहिए। बच्चों को हमेशा विषय वस्तु के बारे में क्या सही है, क्या गलत है, इसमें क्या गलत हुआ है, उसका कलेक्शन करने का क्षमता प्रवेश कराना चाहिए बच्चों को। अवलोकन, जिज्ञासा, अन्वेषण और रचनात्मक मुक्त अभिव्यक्ति को बढ़ावा दें। शरीर की गति और समन्वय में एक्सप्लोर करें और समझें। अभिव्यंजक संचार और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करें। सीखने और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। उनकी भावनाओं को समझें और नियंत्रित करें। समृद्ध विरासत और संस्कृत विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करें। उच्च प्राथमिक, इस चरण के दौरान बच्चे अवधारणाओं और पर्यावरण के बीच अधिक अंतर्वेशन को समझने के लिए तैयार होते हैं और IL बच्चों के सरल अवधारणाओं पर निर्माण करने की अनुमति दे सकते हैं और साथ ही उन्हें शैक्षणिक सामग्री के साथ अर्थपूर्ण ढंग से जोड़ सकता है। बच्चे समूह में काम करने के साथ एक साथ विचार का पता करना चाहिए। बच्चों को हमेशा सामूहिक में खेल खेल के माध्यम से हमें उन्हें कला को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। इससे कई सारे बच्चों के बीच में क्या क्या उनका विशेषताएं है, क्या उनके अंदर मौजूद गुण है, वो हम लोग को पता चल पाता है। इसलिए हमेशा बच्चों के बीच हमें कुछ खेल में उन्हें कला को प्रवेश करना चाहिए, कौशल को बढ़ाना चाहिए। बच्चे प्राथमिक स्तर पर AIL के उद्देश्य से बच्चे की मदद करना चाहिए। अवधारणाओं के कई दृष्टिकोण का अन्वेषण करें। विषय वस्तु अवधारणाओं में ज्ञान का निर्माण करें और अंत विषय में संबंधों को अवगत कराएं। एक बहुवादी दृष्टिकोण से विकसित करें और विभिन्न संभावनाओं की सराहना करें। एक बच्चे के बीच अगर हमें कोई अच्छा कुछ बच्चे अगर अच्छा कार्य करते हैं और उनका शिक्षण प्राप्त करने और खेल खेल के माध्यम में जो अपना प्रदर्शन किया वो बहुत बेहतर दिखाया है तो उनका सराहना करना चाहिए ताकि बच्चा अपना और मनोबल के साथ नेक्स्ट टाइम वो अपना कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सके। टीम वर्क और आपसी प्रशंसा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या चीज़ होगा कि बच्चे आगे बढ़कर हिस्सा लेने का कार्य करेगी। संचार कौशल एवं भाषा कौशल और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि करना चाहिए। संचार कौशल, भाषा कौशल और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि करना चाहिए। बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हमें इस भाषा में क्या समस्या आया है, इसमें क्या त्रुटियां आया है। त्रुटियां के प्रति बच्चों को हमेशा अवगत कराना चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़कर हिस्सा ले सके और आने वाला कल किसी तरह का त्रुटियां हो तो वो उस समस्या का समाधान कर सके। ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। कला बनाएं और उनके कलात्मक कौशल को दिन प्रतिदिन गतिविधियों में लागू करें। कला हमें हमेशा बच्चों के प्रति प्रेरित करना चाहिए और हमें यह भी देखना चाहिए कि दिन प्रतिदिन उसके अंदर उस कला को क्या उस कला को प्रवेश कर पाया है या नहीं। अगर नहीं तो उसको कैसे प्रवेश किया जा सके ताकि वो आने वाले दिनों में उसका सही प्रयोग कर सके और एक अच्छा इंसान के रूप में अपने कार्य को बेहतर तरीके प्रदान कर सके। हमेशा यह ध्यान देना चाहिए।
सामान्य देखभाल, सहानुभूति और करुणा समावेश का अभ्यास सीखें। सामाजिक भावनात्मक क्षमताओं और संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझें और नियंत्रित करें। हमें यह भी ध्यान दें कि बच्चों की क्या भावनाएं हैं, क्या उसका भावनाएं के अनुकूल क्या हो रहा है उस कार्य को क्या नहीं, या नहीं तो या उनको अनियंत्रित है तो उसको नियंत्रित करने का समावेश करें। समृद्ध विरासत और संस्कृति विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करें। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि समृद्ध विरासत से जो चलकर आया है, जो हमारे संस्कृति विविधता है, क्या उसके प्रति बच्चे जागरूक हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हमें अपने विरासत और संस्कृति विविधता के बारे में हमें अवगत कराना चाहिए, ताकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमेशा उस नियमता के अनुसार कार्यरत रहे। AIL के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित चरणों को अनुशंसा की गई है, जैसे क्षमता का निर्माण, गतिविधियों का योजना, योजना समय, योजना संसाधन, कक्षा प्रबंधन एवं समुदाय के भागीदारी। तो क्षमता निर्माण, कला को एक संसाधन के रूप में पेश करने के लिए शैक्षणिक उपकरण के रूप में इसका उपयोग स्कूली प्रणाली में बेहतर तरीके से हो रही है या होनी चाहिए। क्षमता का निर्माण, बच्चों को एक ऐसा संसाधन के रूप में, एक शिक्षा एक ऐसी साधन है जिसमें बच्चों को उसके शैक्षणिक उपकरण में स्कूली स्तर पर विशेष रूप से प्रवेश किया जाता है। स्कूल प्रबंधन सहित स्कूली शिक्षा के सभी हितधारकों को इस शिक्षा शास्त्र के माध्यम से समझने के लिए अनुमुख होने की आवश्यकता है। यहाँ क्षमता निर्माण का तात्पर्य है शिक्षकों और अन्य लोगों की समझ कौशल में सुधार करने के लिए उनके विद्यालय में AIL को लागू करने के लिए किए जा रहे हैं किसी भी प्रयास से है। यह एक स्कूल की आंतरिक क्षमता का निर्माण करके और बाहरी सामर्थक एवं सेवाओं को निर्भरता को कम करता है। हमें जो भी बच्चे के अंदर जो भी विशेष गुण नज़र आता है और उसमें और क्या ऐसा कला को प्रवेश किया जाए, वो बच्चों को प्रति हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और उन्हें एक कला के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सीखने के तरीके और शिक्षकों और शिक्षण और सिखाने के तरीके एक आदर्श बदलाव लाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशालाएं एवं शिक्षक अवलोकन की कार्यक्रम के आयोजित किया जाना चाहिए। बीच बीच में एक ऐसी वैसी गतिविधियां भी प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे उत्सुक रहे। बच्चों को हमेशा सिर्फ पढ़ाई के संबंध में नहीं रखना चाहिए, बीच बीच में किस तरह का खेलकूद का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए, बीच बीच में कुछ नाटक किया जाए ताकि बच्चे का मनोबल, बच्चे का जो हंसमुख चेहरा है वो खिलखिला बना रहे। गतिविधियों की योजना, एक बार जब शिक्षिका AIL पद्धति का उपयोग करना शुरू कर देती है तो उसे नियोजन की गतिविधियों पर काम करने की आवश्यकता होगी। AIL को कला अनुभव को विषय वस्तु को निर्भरता के रूप में जोड़ने और सामूहिक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने की तरीकों और तकनीकों की पहचान करने की आवश्यकता होगी। शिक्षक की पूर्व योजना, बच्चों की प्रतियोगिता, मार्गदर्शन और समीक्षा करने पर ध्यान देने के साथ साथ विषय वस्तु की जानकारी देना चाहिए और उन्हें एक यात्रा को ट्रक के रूप में लाना चाहिए। AIL गतिविधियों के चरण वार योजना, प्री प्राइमरी, जैसा कि NCEP 2005 द्वारा सुझाया गया है कि इस स्तर पर सभी शिक्षा कलाओं के माध्यम से होनी चाहिए। ड्राइंग, पेंटिंग, मॉडलिंग, ज्ञान क्रियाएं या इस तरह के माध्यम से बच्चों को एक कला
सिखाना चाहिए। इसे आगे जो जोर देता है और पाठ्यक्रम में 90% कला उन्मुख होना चाहिए। इसलिए इस चरण के लिए गतिविधियों की योजना बनाते समय शिक्षक को उपयुक्त मापदंड, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब क्लास में जाते हैं तो लेसन प्लानिंग के साथ हम लोग अपना विषय वस्तु रखते हैं लेसन प्लानिंग के साथ, उसी तरह बच्चों के अंदर 90% कला किस तरह से प्रवेश किया जाए इसका हम लोग एक तरह का प्रारूप वर्णन निर्माण करना चाहिए, ताकि उस कला को समय समय पर बच्चों को निहित कराया जा सके। इस चरण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उत्पाद पर। इस चरण की गतिविधियों की योजना बनाते समय स्थानीय रूप से उपलब्ध और उपलब्ध उम्र के अनुकूल सामग्री, जैसे कंकड़, बीज और मोती, पत्ते, फूल, रेत, मिट्टी, समुद्र के गोले, पंख, लकड़ी के छड़े, पेड़ की छाल, प्राकृतिक रंग आदि का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे प्री प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं काफ़ी बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ वस्तु से पहचान करवाना चाहिए, जिससे वो समझ सके कि यह टेबल है या कुर्सी है या पुस्तक है या पेड़ है, रंग से भी वस्तु विषय से आकृति से पहचान कराना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कलाओं को सभी विषय के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और विभिन्न अवधारणाओं के शिक्षण और सीखने के लिए दृष्टिकोण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इससे बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने में मदद मिलेगी। वे गहन अवलोकन और जिज्ञासु खोज और सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से सभी इंद्रियों का विकास भी करेंगे। जैसे कि हमारे अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था है, एक शिक्षक अपनी कक्षा को सभी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उसे कला के अनुभवों की योजना बनाते में स्वतंत्र और गुंजाइश देता है, जो कई विषयों के लिए सीखने को पूरा करता है। इस चरण के लिए गतिविधियों की योजना बनाते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रक्रिया और उत्पाद ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। कला अनुभव की योजना इस तरह बनाना जाना चाहिए कि कक्षा के बहुस्तरीय और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अंत विषय उद्देश्य पूर्ति करें। बहु कक्षा में शिक्षक को सामूहिक रचनात्मक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आयु समूह गतिविधियों को डिजाइन करते समय मौलिक बिंदु बन जाती है। जैसे स्कूल स्तर पर बच्चे बहुत तरह के होते हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ प्राथमिक होते हैं, कुछ उच्च स्तरीय होते हैं, तो हमें प्राइमरी के लिए जो विषय वस्तु होते हैं वो अलग होते हैं, प्राथमिक के लिए कुछ अलग होते हैं और उच्च स्तरीय का विषय वस्तु जो होते हैं कुछ उच्च स्तर का ही होते हैं। इसलिए हमें कभी भी अगर प्राइमरी बच्चे हैं तो हमें प्राइमरी चीज़ ही उन्हें बताना चाहिए, ना कि कुछ उच्च स्तर का। तो प्राइमरी के बीच में हमें कुछ कला, तीनों निहित कला प्रदर्शित करना चाहिए, अपने कला को किस तरह समावेश करना चाहिए उसके प्रति हमें कुछ विषय वस्तु निर्माण करना चाहिए। कक्षा 1-3 और 4-5 की कला एकीकरण क्रमशः 80-70% होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए उनके द्वारा देखे जाने वाले विषयों और स्थितियों का पर प्रयोग करना और व्यक्त करने के लिए सामग्री होनी चाहिए। कक्षा 3 के बाद उन्हें उनके दैनिक जीवन के तत्काल पर्यावरण से संबंधित सरल विषय दिए जा सकते हैं, जो उनके पाठ्यक्रम को और भी कवर कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी को अपने कल्पना के उपयोग और उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाना चाहिए कि चरण के बच्चे अपने सामाजिक भावनात्मक विकास और जीवन कौशल, अंतर्व्यक्तिगत संचार, सहयोग और
विविधता के लिए सम्मान और एक दूसरे के दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा, नैतिक कौशल विकसित करने और समस्या सुलझाने की क्षमता विकास के लिए टीमों में एक साथ काम करना चाहिए वगैरह। चूँकि यह आयु सीमा किशोरावस्था की शुरुआत है, उनकी बढ़ती हुई चिंता को कला की एकीकरण के माध्यम से स्वाभाविक रूप से और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। इस चरण के लिए गतिविधियों की योजना बनाते समय शिक्षक को यह देखने की आवश्यकता है कि ध्यान प्रक्रिया पर है, ना कि उत्पाद पर। समावेशी कक्षाओं की जरूरतों पर ख्याल रखा जाता है। समूह बनाते समय उन्हें सामाजिक पूर्व आग्रह और लैंगिक रूढ़िवादियों के आधार पर कोई भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए एक विषय दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। विचारों के बेहतर आदान प्रदान और विषय सीखने के स्तरों को समायोजित करने के लिए बच्चों को समय समय पर पुनः समूहीकरण किया जाना चाहिए। बच्चों को एकत्रित से बचने के लिए विविध कला रूपों और सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देना चाहिए। एक खोजपूर्ण उपकरण के रूप में ICT का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को स्वदेशी और सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय के साथ बातचीत करने की अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जिस हद तक कला का अनुभव को अवधारणा और विशेष सामग्री को जोड़ने के लिए लाया जा सके, कला अनुभव का उपयोग मूल्यांकन उपकरणों के रूप में किया जाता है। समय की योजना। प्रत्येक स्तर पर समय प्रबंध शिक्षकों की व्यावसायिक व्यवस्था और क्षमता को और बेहतर पालन करना चाहिए, ताकि बच्चे आगे बढ़कर एक विशेष कार्य को करने में किसी तरह को समस्या के सामना करना पड़े तो वो करने का सक्षम हो जाए। यह ऐसा करना चाहिए। शिक्षकों को कभी कभी समय समय पर उनकी कमियों की कला को उनके सामने दिखाना चाहिए, ताकि वह एहसास हो जाए कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। यह एक आनंददायक और अनुभवात्मक सीखने की माहौल को निर्माण करने की समझौता करना चाहिए। इससे विपरीत विद्यालयों में दिलचस्प उपलब्ध कराना चाहिए, जैसा प्रातकालीन सभा, उत्सव, विशेष सभाएं, समर, जिनका उपयोग सामूहिक कला के अनुभव में किया जा सके। और आसानी से विषय सामग्री और सीखने की परिणामों में जोड़ा जा सके। संसाधन योजना। संसाधनों की उचित योजना कला एकीकृत अनुभव में एक नवनीत जोड़ती है। शिक्षक द्वारा नियमित शोध पर और व्यापक जमीनी कार्य से उन्हें संसाधनों का एक समृद्ध भंडार बनाने में मदद मिलती है, जिसमें क्षेत्रीय और स्थानीय संसाधनों शामिल होते हैं। संसाधनों का उपयोग करना आसान और खरीद के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए, क्योंकि उनकी आसमान उपलब्ध आवृत्ति वृद्धि सुनिश्चित होगी। और संसाधनों का चयन करते समय एक विशेष रूप से भौतिक संसाधनों का इस तत्व के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। संसाधनों का प्रकार। सामग्री संसाधन। AIL गतिविधियां के लिए सामग्री और उपकरणों की योजना बनाते समय और निम्नलिखित 5 बिंदुओं के अंगूठे नियम का अभ्यास करना चाहिए। संसाधन को होना चाहिए किफायती, पर्यावरण के अनुकूल, पुनः प्रयोजित, अभिनव और स्थानीय रूप से उपलब्ध। सामुदायिक संसाधन।
स्थानीय समुदाय को सार्थक रूप से शामिल करने के लिए तरीकों और मंचों को एक स्वस्थ और सक्रिय समुदाय विद्यालय साझेदारी विकसित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जब स्थानीय क्षेत्रीय कारीगरों को एक साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तो छात्र स्वदेशी संस्कृति विरासत के प्रति अपनी संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल के अधिकारी स्थानीय बुनाकारों और कुम्हारों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि छात्रों का अपने साथ घनिष्ठ जुड़ाव हो सके। बच्चों के सीखने का समर्थन करने के लिए बच्चों के परिवार भी स्कूल के साथ सकारात्मक तरीके से शामिल हो सके। प्रभावी और समर्थक समुदाय की भागीदारी के लिए सिफारिश की जाती है कि अस्पतालों और डाकघरों, बस डिब्बों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे स्थानों की यात्रा के लिए समय समय पर क्षेत्र यात्राएं शामिल किए जाते हैं। यह देखा गया है कि पारंपरिक व्यवस्था को सीखना अक्सर विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होता है, जबकि ये IL में यह अनुशंसा की जाती है कि शिक्षक को सीखने के स्थान का चयन और उपयोग करते समय अधिक लचीला बनने की आवश्यकता है। स्थान ऐसा होने चाहिए जो बच्चों को खोजबीन करके प्रयोग करने की सृजन करने और स्वयं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करें। कक्षा प्रबंधन। कक्षा कक्ष वह स्थान है जो उचित रूप से उपयोग और प्रबंधित किए जाने के सीखने के लिए पूर्व भूमिका बन जाती है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। लचीले बैठने की व्यवस्था जो बच्चों और शिक्षकों के मुक्त अवगत के साथ गतिविधियों के लिए जगह प्रदान करते हैं, ये IL की बेहतर प्रभावशीलता के लिए यह सिफारिश की जाती है कि प्रमाणिक ढंग से बैठने की व्यवस्था प्रोत्साहित हो। बच्चों के साथ बातचीत करते समय शिक्षकों को असुविधाकर्ताओं को कक्षा में घूमना चाहिए। इससे शिक्षक को कक्षा के प्रत्येक बच्चे में तक पहुंचने और सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। ये IL के दृष्टिकोण सक्रिय सुझाव और सामूहिक सीखने के लिए बच्चों में काम करने वाले बच्चों की सिफारिश करता है। एनपुर प्राथमिक स्तर पर समूह का आकार 2 का होना चाहिए और कक्षा 1 और 2 के समूह में कक्षा 2 से 3 बच्चे होते हैं और कक्षा 3 से 5 के समूह में 4 से 5 बच्चे हो सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर तक बच्चे बेहतर समूह की गतिशीलता विकसित करते हैं, इसलिए शिक्षक गतिविधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों की समूह की योजना बना सकते हैं, ना कि संख्या को। बेहतर परिणामों के लिए समूह के विन्यास को बदलते रहना चाहिए। जो छात्रों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलते हैं, एक दूसरे की ताकत और क्षमताओं की सराहना करना चाहिए जिससे और विषय वस्तु बेहतर हो सके। अगर हम लोग क्रम बाय क्रम कुछ बच्चे को लेकर अगर उसके बीच में कुछ प्रस्तुत किया गया है तो उससे में बच्चे में क्या सामने आया ये पता चलता है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम फिर से अगर हम अलग बच्चे को लाते हैं तो उसमें और कुछ देखने को मिलता है। इसे एक दूसरे बच्चे को तुलना कर सकते हैं कि किस बच्चे में कौन सा गुण और कौन सा गुण मौजूद है और कौन सा गुण का कमी है, तो उसके अंदर फिर कला को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
सभी प्रकार की विविधता को समान करते समय समावेशी की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें। समूह बनाते समय कक्षा के बहुस्तरीय और बहुश्रेणीय की प्राकृतिक को भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों द्वारा प्रस्तुति को एक इंट्रोडक्टिव सीखने में माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में प्रदर्शन क्षेत्र होनी चाहिए जहां बच्चों के काम को प्रदर्शित किया जा सकता है। एक पढ़ने का कोना बनाया जा सकता है जहां बच्चों को कहानी की किताबें, कॉमिक्स और लोक कथाएं आदि की आसानी से उपलब्ध हो सकें। कक्षा में एक अभिनव प्रदर्शन स्थान क्षेत्र भी हो सकता है जिसका उपयोग नियमित प्रस्तुति को प्रदर्शित करने में किया जा सकता है। यदि सच्ची भावना से अभ्यास किया जाता है तो उपयुक्त न केवल बच्चों की उनकी कक्षा और स्कूल की स्वाभाविक भावनाओं और विकसित करने में मदद करेगी बल्कि उन्हें जीवन की शिक्षार्थियों में बदलाव भी लाया जा सकता है। AIL का मूल्यांकन कला एकीकृत अधिगम के माध्यम से मूल्यांकन सुविधाजनक और को प्रभावी ढंग से पेपर सिल या मौखिक और रिकॉल विधि से एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति की और जाने में मदद करता है और विषय के सीखने के साथ साथ छात्र के सामाजिक भावनात्मक विकास दोनों का आकलन करने में मदद कर सकता है। यह मूल्यांकन की प्रक्रिया लोकतांत्रिकरण करने में मदद करता है जिसमें छात्रों को अपने सीखने को अभिव्यक्त करने के लिए कई तरीके प्रदान किए जा सकते हैं। इसलिए योग्यता आधारित सीखने और योग्यता आधारित सिखाने दोनों के लिए प्रभावी उपकरण बन सकता है। इस प्रकार विषय वस्तु की अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्न कला के रूप का उपयोग करके समझने में आसान और मूर्त रूप से दिया जा सकता है। सीखने के इस तरीके के विषय के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा में मदद मिलती है और यह कला का मूल्यांकन करने को भी बढ़ावा देता है। इस दृश्य कलाओं और प्रदर्शन वह कला रूप जिसमें मुख्य रूप से देखा जा सकता है या सराहना किया जा सकता है जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, स्टेज आर्ट, कला मॉडलिंग, मूर्त कला। बच्चों को बीच बीच में इस तरह का कला का प्रोत्साहन करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे जब कोई त्यौहार आदि आते हैं तो उस समय भी हमें कुछ कला को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट पेपर में बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे पता चलता है कि बच्चों के अंदर में पेंटिंग का क्या कला है, उसके अंदर क्या कितने तरीके से और उस कला को, उस चित्र को उसके लिखन भी करना चाहिए। कला शिक्षा और समिति शिक्षा में क्या अंतर है? कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदन भावनाओं को प्रोत्साहित करती है या उन अभिव्यक्तियों और सृजन हेतु सामग्रियों को एक साथ काम करने का एक मंच प्रदान करती है जिन्हें केवल शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को और बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती है चाहे वह गीत के रूप में हो फिर या पेंटिंग या प्रदर्शन के रूप में हो। कला समिति शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम करते हैं। विभिन्न कला के रूप का उपयोग करके विषय की अमूर्त अवधारणाओं का पता लगाया जा सकता है जिससे सीखने वाले का मन, हृदय और शरीर उससे जुड़ जाता है। इस तरह कलाएं बच्चों को कई तरह के कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। कला समिश्रित शिक्षा में कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम किया जा सकता है।
इससे बच्चों को कई तरह का कौशल और क्षमताओं का विकास होता है। इसे कला को केंद्र बिंदु में रखकर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान उनके अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये आई एल के अनुभवात्मक शिक्षा का एक ढांचा है जो सभी शिक्षार्थियों को उनके स्वयं के पहुंच बिंदुओं के माध्यम से एक समान सीखने के वातावरण प्रदान करती है। छात्र कला गतिविधियों के संकलन होते हैं और कला एकीकृत वातावरण में अपने सीखने के माध्यम से व्यक्तिगत अर्थ का निर्माण करते हैं। शिक्षा में कला की क्या भूमिका है? कला शिक्षण का उद्देश्य कलाकार का निर्माण नहीं बल्कि इसके लिए कला विषय की जरूरत नहीं है, बल्कि हर विषय के शिक्षण में कला और दैनिक वार्षिक गतिविधियों की कलात्मक का सहमति होना जरूरी है। कला समिति अधिगम मॉडल को अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया जाता है। इस मॉडल में प्रत्येक विद्यार्थी को विभिन्न विषयों को सीखने समझने के लिए दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के लिए विशिष्ट अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये अनुभव विद्यार्थियों की आयु और स्तर के अनुरूप दिए जाते हैं। कला समिति अधिगम की मॉडल को अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉडल के प्रत्येक विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को सीखने समझने के लिए दृश्य और प्रदर्शन कलाओं को विशिष्ट अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये अनुभव विद्यार्थियों की आयु और स्तर के अनुरूप दिए जाते हैं। कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंची है, नए कौशल को पहचानने में मदद करता है, जुड़ाव को कम करता है, आवंटित कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करता है, विषय के प्रति भय विकसित करता है। इस तरह से आज का ट्रेनिंग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। कितना मिनट हुआ?